हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको दोस्त पंकज कुमार आज फिर सामने कुछ इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के मोटिवेशन वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं इस कहानी के सफ़र की तरफ। इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम स्नेहा है और लड़के का नाम रमेश है और उनके माता पिता है। तो जब रमेश स्नेहा से शादी कर लेता है तो कुछ महीनों के बाद, 5-6 महीनों के बाद, रमेश अपने माता पिता से कहता है कि माता पिता जी, मैं कहीं दूसरे देश में नौकरी करना चाहता हूँ या मैं किसी दूसरे शहर में जाके व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसकी अनुमति दीजिए। तो उन्होंने उसको अनुमति दी, वो दूसरे शहर में व्यवसाय करने चला गया। तो उसने 10-15 साल उस शहर में व्यवसाय किया और बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करके अपने घर को लौटने का विचार किया और उसने वैसे ही किया। वो अपने घर की तरफ चलने पड़ा। जब वो हवाई अड्डे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी रो रहा था और गुस्सा भी था। तो उसने पूछा कि आप दोस्तों, तो रमेश ने पूछा उस शख्स से कि आप इतना दुखी। तो उसने बताया कि ये देश मूर्खों का देश है। तो रमेश ने बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश के कोई भी मेरे इस मूल्यवान ज्ञान को एकत्रित नहीं करना चाहते हैं। मैंने जब उनको कहा कि मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ, पर उसके बदले आपको मुझे कुछ मूल्य देना पड़ेगा, पर वो कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो रमेश ने सोचा कि मैंने इतनी बस इस शहर में किया, ये तो मेरा कर्म स्थल है, अगर मैं इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने सोचा, ठीक है, मैं आपके इन अच्छे गुणों को खरीद लूँगा, आप मुझे इन गुणों को बताएं। तो उसने कुछ मूल्य देके उन गुणों को सीखा। तो उसने बताया कि कुछ भी काम पहले तुम्हें 2 मिनट उस काम के बारे में सोचना है। तो वो इसको लेकर अपने घर, जब वो अपने घर पहुँचा तो घर में माता पिता नहीं थे, क्योंकि माता पिता जो वो मंदिर में गए हुए थे पूजा करने अपने बेटे के आने की खुशी में। उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ एक कमरे में सोई हुई है। तो उसे क्रोध आया और उसके घर में एक तलवार थी, तो उसने उस तलवार को निकाल के उन दोनों का वध करने के लिए सोचा। तो उसने उस मूल मंत्र को एक बार इस्तेमाल करने के लिए सोचा। तो उसने 2 मिनट उनके बारे में सोचा, तभी उसका हाथ से जो उसका बैग था वो नीचे गिर गया और उसकी आहट से उसकी पत्नी उठ गई। तो उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति आए हैं। तो उसने सबसे पहले अपने पति के चरण स्पर्श किए और अपने साथ सोए हुए बालक को आवाज़ दाई कि पुत्र उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। तब उसने सोचा, शुक्र है मैंने उस महान ज्ञानी व्यक्ति से बहुत मूल्यवान गुण ले लिया था, अगर मैं इस प्रकार ना करता तो आज मैं कितना बड़ा अनर्थ कर देता। मेरे इस कहानी को आपको सुनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप कोई भी काम करें तो प्लीज़ 2 मिनट उस काम के बारे में सोच लें, ताकि आपके उस काम के गुण और अवगुण आपको पता चल जाए। तो होप मी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आपके लिए अगली वीडियो किस चीज़ किस टॉपिक में लाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।